हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम देखेंगे सर्दियों में खिलने वाले फूलों के नाम, जो स्टार्टिंग विंटर से ही खिलना शुरू हो जाएंगे, साथ ही पूरे विंटर में फ्लावरिंग करेंगे और अपनी भीनी भीनी खुशबू से पूरे गार्डन को भर देंगे। बेहद ही खूबसूरत बेहतरीन विंटर फ्लावर्स हैं। मेरे साथ पूरे वीडियो में ज़रूर बने रहिए। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे, पसंद आए तो लाइक कीजिए। इसी तरह की नई नई गार्डनिंग वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए फ्रेंड्स। दोस्तों, सर्दियां आते ही कितने सारे बदलाव होने लगते हैं। भारत में भी यह मौसम अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग प्रभाव डालते हैं। जैसे मिडिल इंडियन क्षेत्रों में ये जो विंटर होते हैं मॉडरेट रहती हैं, हिमालयन जो हिली एरिया हैं वहाँ ठंड ज़्यादा होंगी। इसी तरह बाकी क्षेत्रों में ठंड का अलग अलग इफ़ेक्ट होता है। विंटर आते ही हमारे जीवन के साथ साथ हमारे बगीचों में, गार्डन में सर्दियों का बहुत अलग प्रभाव पड़ता है और बगीचे में लगे पौधों की देखभाल की ज़रूरत भी ज़्यादा पड़ जाती है। उन्हें अच्छी तरह धूप दिखाने की भी ज़रूरत होती है। ऐसी स्थिति में क्यों ना उसी तरह के पौधे लगाएं जो क्लाइमेट फ्रेंडली हो, सन लविंग हो और इस मौसम में अच्छी तरह विकसित हो सके। ऐसे कितने सारे खूबसूरत फूल पौधे हैं जो ख़ास तौर से सर्दियों में बहुत अच्छी तरह से खिलते हैं। इस विंटर आप भी अपने बगीचे को ऐसे खूबसूरत रंग बिरंगे पौधों से, फूलों से महका सकते हैं। बिना देर किए वीडियो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं बेस्ट विंटर फ्लावरिंग प्लांट। ये है खूबसूरत से कैलेंडुला के फ्लावर, जो मिनी सनफ्लावर की तरह लगते हैं। वैसे ये थोड़े बहुत मैरीगोल्ड की तरह भी दिखाई देते हैं, इसलिए इसे पॉट मैरीगोल्ड भी कहा जाता है। ये कोल्ड जोन में बहुत अच्छे से सर्वाइव कर सकते हैं। घर के इंटीरियर्स को भी बहुत अच्छे से खूबसूरती से ये बढ़ाते हैं और इसे हम अपने बगीचे में, गार्डन में भी लगा सकते हैं। कैलेंडुला फ्लावर को इनके सीड से जर्मिनेट किया जाता है। नर्सरी में भी तैयार प्लांट मिल जाएंगे आजकल, जो बिल्कुल डायरेक्ट सनलाइट में और पार्शियल शेड में भी बहुत अच्छे से ब्लूमिंग करते हैं। यह प्लांट जो है गर्मियों से ज़्यादा विंटर्स में अच्छी तरह से ग्रो करते हैं। बस ध्यान रहे कि इनकी जो मिट्टी है वो ड्राई ना हो और इसमें हमें रेगुलरली वाटरिंग करना है। ये है गुलदाउदी के फ्लावर, जो पिंक कलर में है। वैसे इसमें बहुत सारे कलर ऑप्शंस होते हैं, येलो, वाइट, रेड, पर्पल। ये जो गुलदाउदी के प्लांट है परमानेंट होते हैं, सालों भर बने होते हैं। इनको हम इनके सीड से और इनकी कटिंग से भी प्रोपगेट कर सकते हैं। ये भी सन लविंग होते हैं, पार्शियल शेड में भी ये बहुत अच्छी फ्लावरिंग करते हैं। पूरे विंटर इसमें फ्लावरिंग होगी। ये पेंजी है जो बेस्ट विंटर फ्लावरिंग प्लांट है, जो हार्श विंटर में भी बहुत अच्छे से सर्वाइव करते हैं। फ्लावर के कलर वाइट, रेड, येलो, पर्पल सारे ही कलर में अवेलेबल होते हैं। लुक वाइज ये देखने पर, ध्यान से देखें तो बटरफ्लाई की तरह लगते हैं, इसीलिए इसे बटरफ्लाई प्लांट भी कहा जाता है। इस प्लांट को हम डायरेक्ट सुबह की धूप में रख सकते हैं और इन्हें हमें आफ्टरनून की जो तेज़ धूप होती है डायरेक्ट सनलाइट नहीं देनी है और इनके लिए हमें फर्टिलाइजर सॉइल चाहिए और सॉइल मॉइस्ट होनी चाहिए। रेगुलरली वाटरिंग कर सकते हैं। हैवी ब्लूमर वाले प्लांट होते हैं, देख सकते हैं हमारे हैंगिंग पॉट में ये पूरी तरह से भरे हुए हैं। तो ये हैंगिंग पॉट के लिए सूटेबल भी हैं और बहुत अच्छी ब्लूमिंग भी होती है पूरे सर्दियों में। ये है कलरफुल पेटूनिया, जो एनुअल फ्लावरिंग प्लांट होते हैं। विंटर में इसमें ब्लूमिंग होती है। ये पौधे जो होते हैं कलर, शेप और साइज में अलग अलग देखा जा सकता है। मल्टी कलर के भी ये प्लांट होते हैं। साथ ही इस प्लांट को हम इनके सीड से भी ग्रो कर सकते हैं वेरी इजीली। इन्हें 5 से 6 घंटे के लिए हमें धूप देनी है और ये पूरा दिन भी धूप में रहेंगे तो ख़राब नहीं होंगे। वैसे इन्हें फर्टिलाइजर सॉइल में, मॉइस्ट सॉइल में रखना होता है। पेटूनिया हैंगिंग पॉट के लिए सूटेबल होते हैं। सन लविंग प्लांट होने के साथ साथ ये प्लांट मॉइस्चर लविंग भी होते हैं। रेगुलर वाटरिंग कर सकते हैं एंड ये प्लांट जो होते हैं बहुत अच्छी ब्लूमिंग करते हैं। काफ़ी सारे फ्लावर खिल जाते हैं और पूरे पॉट को ये अपने फ्लावर से कवर कर लेते हैं। पेटूनिया में लॉट्स ऑफ कलर एंड इनकी वैरायटी भी अवेलेबल है। विंटर फ्लावर के लिस्ट में हमारा नेक्स्ट बेस्ट विंटर फ्लावर है एस्टर फ्लावर्स। डेजी के जैसे दिखने वाले ये परमानेंट पौधे काफ़ी खूबसूरत लगते हैं। एस्टर दक्षिण अमेरिका में होने वाला एक पॉपुलर फ्लावरिंग प्लांट है और भारत में भी इसकी कई सारी वैरायटी किस्में अवेलेबल हैं। आप इसे फुल ग्रोन एस्टर के बीच से भी नए प्लांट बना सकते हैं। ये फ्लावर मॉइस्चर लविंग होते हैं तो इसमें रेगुलर वाटरिंग करेंगे। पार्शियल शेड में या फुल सन में भी ये बहुत अच्छे से ग्रो होते हैं। फ्लावर के कलर भी कई सारे रंगों में होते हैं, वाइट, येलो, रेड।
ये स्मॉल पॉट फ्रेंडली हैं। अगर आपको छोटे पॉट के लिए कोई फ्लावरिंग प्लांट चाहिए तो एस्टर इज बेस्ट ऑप्शन। एस्टर की खासियत है बहुत कम स्पेस लेते हैं, साथ ही इनकी जो फ्लावर की ब्लूमिंग होती है कई दिनों तक एक ही फ्लावर खिला रहता है। ये है कार्नेशन, इनमें भी ड्वार्फ और इनकी आईवी वैरायटी भी आती है। फ्लावर के कलर वाइट, पर्पल, पिंक, रेड में होते हैं। ये प्लांट भी 12 महीने चलने वाले प्लांट हैं जिसमें फ्लावरिंग भी बहुत अच्छी होती है। अभी विंटर में इनको भी फर्टिलाइजर रिच सॉइल चाहिए और इनकी जो सॉइल होती है ध्यान रखें बिल्कुल सौगी ना हो, और ओवर वाटरिंग से इस प्लांट को हमें बचाना होता है। ये गजीनिया के फ्लावर है जो सन लविंग होने के साथ साथ विंटर में फ्लावरिंग करते हैं, वैसे ये परमानेंट भी हैं। गजीनिया भी कई सारे कलर में अवेलेबल होते हैं, वाइट, येलो, ऑरेंज, रेड, और इनको बीज से भी हम जर्मिनेट कर सकते हैं। ये जिरेनियम के फ्लावर्स हैं। जिरेनियम प्लांट 12 महीने चलने वाले शेड लविंग प्लांट होते हैं जिसमें विंटर में बहुत अच्छी फ्लावरिंग होती है, कोल्ड जोन में सालों भर फ्लावरिंग होती है। इनकी आईवी वैरायटी है ये जिरेनियम की। कलर में ये लॉट्स ऑफ कलर में अवेलेबल होते हैं। साथ ही फ्रेंड्स इनकी जो फ्लावर की ब्लूमिंग होती है कई दिनों तक खिले रहते हैं, ये फ्लावर जल्दी मुरझाते नहीं हैं। ये देख सकते हैं गुच्छों में इनकी फ्लावर की ब्लूमिंग होती है और लॉट्स ऑफ कलर वैरायटी होती है। सिंगल और डबल पेटल में भी जिरेनियम अवेलेबल होते हैं। इनकी ड्वार्फ वैरायटी को हम पॉट में इजिली ग्रो कर सकते हैं। यहाँ पर फ्रेंच मैरीगोल्ड है जिसे जाफरी भी कहते हैं, बहुत अच्छी खुशबू आती है इसमें। मैरीगोल्ड में भी कई सारी वैरायटी और किस्में पाई जाती हैं। इनकी ड्वार्फ वैरायटी को हम पॉट में इजिली ग्रो कर सकते हैं। फुल सन से लेकर पार्शियल शेड में भी ये बहुत अच्छे से ग्रो होते हैं। इनके सॉयल में थोड़ा सा काउडंग या वर्मी कंपोस्ट ऐड कर दें और वेल रनिंग फर्टिलाइजर इस सॉयल में ये बहुत अच्छी ब्लूमिंग करेंगे। ये प्लांट की फ्लावर भी कई दिनों तक खिले रहते हैं और हमारे गार्डन को अपने कलरफुल वैरायटी और अपनी खुशबू से भर देते हैं। बहुत खूबसूरत लगते हैं, ये गार्डन को कलरफुल लुक प्रोवाइड करते हैं। छोटे छोटे पॉट में भी इनकी ड्वार्फ वैरायटी को हम ग्रो कर सकते हैं। इनकी जो अफ्रीकन मैरीगोल्ड होते हैं वो भी बहुत अच्छे लगते हैं। ये देख सकते हैं हैंगिंग पॉट में भी ये कितना खूबसूरत लग रहा है। यहाँ पर है डायंथस। डायंथस परमानेंट ग्रीन फॉलिएज प्लांट होते हैं जिसमें फ्लावर भी बहुत अच्छी खिलते हैं विंटर में। इस प्लांट में जब फ्लावरिंग होने के बाद ये डेड हो जाए तो इनकी पिंचिंग और डेड हेडिंग बहुत ज़रूरी होती है सो दैट कि कंटिन्यूस फ्लावरिंग करते रहें। ये जो प्लांट होते हैं इनको हैंगिंग पॉट से लेकर छोटे छोटे पॉट में भी ग्रो किया जाता है। इनके सीड से इनको जर्मिनेट कर सकते हैं। इनके जो बेस कटिंग होती है उससे भी ये बहुत अच्छे से ग्रो हो जाते हैं। डॉग फ्लावर भी परमानेंट प्लांट होते हैं जिसमें विंटर में बहुत अच्छी ब्लूमिंग होती है। इनकी भी ड्वार्फ और टॉल वैरायटी होती है। लॉट्स ऑफ कलर वैरायटी अवेलेबल हैं जैसे पर्पल, रेड, येलो, वाइट, और ये प्लांट जो होते हैं बहुत अच्छे खिलते भी हैं और फ्लावर की ब्लूमिंग भी कई दिनों तक रहती है। साथ ही साथ ये प्लांट एक ऐसा है जो एक बार आने के बाद कभी ख़त्म ही नहीं होता। ये देख सकते हैं ये येलो डॉग फ्लावर है जो नर्सरी से लेकर आई थी मैं कई साल पहले, और अभी तक ये बना हुआ है और लॉट्स ऑफ इसमें नए नए प्लांट भी खुद ही आए हुए हैं। तो सेल्फ जर्मिनेशन होता है इसमें और ये प्लांट ख़त्म ही नहीं होते। आप कितना भी इसको निकालें या बांटें ये प्लांट हमेशा हमारे गार्डन में बने रहते हैं। सेल्फ जर्मिनेशन की वजह से बहुत सारे प्लांट हो जाते हैं। सो फ्रेंड्स ये थे कुछ सेलेक्टिव बेस्ट एंड ब्यूटीफुल विंटर फ्लावरिंग प्लांट जो पूरी सर्दियों में हमारे गार्डन में खिले रहेंगे। कम जगह में छोटे छोटे पॉट में भी ये बहुत अच्छे से रहेंगे। ये सन लविंग है तो पार्शियल शेड से लेकर फुल सन में भी इन्हें ग्रो कर सकते हैं और वाटरिंग भी रेगुलर करें एज अ रिक्वायरमेंट। सो फ्रेंड्स आई होप कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और इसी तरह की और भी नई गार्डनिंग वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं किसी नई गार्डनिंग वीडियो के साथ। टिल देन स्टे हैप्पी एंड कीप गार्डनिंग फ्रेंड्स।